The next kind of natural disaster is tsunami. Tsunami is a series of long waves, length ocean waves generated by the sudden displacement of large volume of water causing destruction. Its source is a major geographical event under sea level such as earthquake, volcano, eruption or landslides. Tsunami hote kyun hai? Jab हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा अर्थक्वेक आता है, इफ़ेक्ट प्लेट्स टकराई, द इफ़ेक्ट गोज ऑन द लैंड. लेकिन अगर सेम अर्थक्वेक या कोई वॉल्केनिक इरप्शन होता है अंडर द सी, इफ़ दिस इज़ योर सी, सो इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ दिस थिंग अंडर द सी बेल्ट, देन इन दैट केस वो इफ़ेक्ट वाटर के ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारी सी वेव्स हैं वो बहुत ऊँची उठेंगी. उसे हम कहते हैं सुनामी. एंड इंडिया में भी 2004 में एक बहुत बड़ा सुनामी आया था, एंड 2011 देर वॉज अ मेजर सुनामी इन जापान. सो सुनामी इज़ वन ऑफ द अनदर इम्पॉर्टेंट नेचुरल डिज़ास्टर दैट वी हैव. नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुनामीज ऑल्सो, सो लेट्स टॉक अबाउट दैम. द फर्स्ट इज़ योर रीजनल सुनामी. रीजनल सुनामी वो होती है जो कि नियरली 1000 किलोमीटर्स की रेंज के अंदर आती है. अगर ऐसा कुछ होता है विच इज़ अराउंड बिटवीन 1000 किलोमीटर रेंज फ्रॉम द सी कोस्ट, उसे हम बोलते हैं रीजनल सुनामी. लेकिन अगर सुनामी मोर देन 1000 किलोमीटर है, अगर वो 1000 किलोमीटर्स की रेंज के बाहर से आ रहा है, अगर कुछ ऐसा है, तो उसे हम डिस्टेंस सुनामी कहते हैं. और इफ़ यू कंपेयर रीजनल सुनामी विद डिस्टेंस सुनामी का इफ़ेक्ट थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि ये काफ़ी दूर से आती है, तो बाय द टाइम इट रीचेज द सी कोस्ट उसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू रीजनल. एंड देन व्हाट स्टेप्स व्हेन वी कैन टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स. स्ट्रक्चरल्स, वी मेक डाइक्स एट द कोस्ट. डाइक्स होता है, हम कुछ एम्बार्कमेंट्स बना देते हैं कोस्ट के ऊपर ताकि उस सुनामी के इफ़ेक्ट को रोका जा सके. अगर आप लोगों में से कोई मुंबई गया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे बेंच स्टैंड पे इस तरह से एम्बार्कमेंट्स बनाई हैं ताकि सी वाटर को रोका जा सके. सिमिलरली वी कैन मेक दैट ऑन द सी कोस्ट. नेक्स्ट इज़ योर नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशंस. फोरकास्टिंग, आने से पहले आप ध्यान रखिए व्हेन इट इज़ एक्सपेक्टेड, व्हेन इट इज़ फोरकास्टेड. ड्यूरिंग इवेंट प्रिपेयर्डनेस, बी प्रिपेयर्ड, इफ इट कम्स यू हैव टू इवैक्यूएट. पोस्ट इवेंट टाइमली रेस्क्यू आपका किया जाए सुनामी से आपको इफेक्ट होने से पहले. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपका रिहैबिलिटेशन, कहाँ पे आपको रिहैबिलिटेट किया जाएगा या कहाँ रखा जाएगा. लाइक एग्जांपल, इन 2011 जापान फुकुशिमा में बहुत बड़ा सुनामी आया था, जिसकी वजह से कुछ अदर डिज़ास्टर्स भी हुए थे. तो उस समय लोगों को पहले प्रिपेयर किया गया था और टाइमली रिहैबिलिटेट किया गया था, क्योंकि उस सुनामी के बहुत सारे आफ्टर इफ़ेक्ट्स हुए थे. एंड आई थिंक फॉर मेनी ईयर्स पीपल वर आउट ऑफ देयर प्लेसेस, आउट ऑफ देयर हाउसेस. नेक्स्ट नेचुरल डिज़ास्टर इज़ वाइल्ड फायर्स. Wild fires is a fire in an area of combustible vegetation that occurs in the countryside or rural areas. Combustible means which can easily catch fire. कई जगह पे हम देखते हैं कि forest में इस तरह की लकड़ियाँ होती हैं, सूखी या dry forest होते हैं, तो जो जल्दी आग पकड़ लेते हैं. Mainly in our countryside, in our villages, rural areas or in your forests. And if you talk about wildfires are again of different types. Like one is your surface fire, जो कि mainly आपके surface के ऊपर, ज़मीन के ऊपर रहती है, उसे कहते हैं हम surface fire. Second kind is your crown fire. Crown means मुकुट. So usually crown fire वो होता है जो कि, जैसे for example surface fire will be usually here on your surface, but crown fire जो है वो ऊपर mainly ups side होगा. And there are many areas in Australia and some areas in America also जो कि wildfire से बहुत ज़्यादा effect होते हैं, especially the areas in
ऑस्ट्रेलिया. बट इन 2016 इंडिया के भी कुछ रीजन्स लाइक उत्तराखंड, हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर एनकाउंटर्ड फेस दिस काइंड ऑफ वाइल्ड फायर्स ऑल्सो. सो वॉट कैन वी डू इट, हाउ कैन वी प्रिवेंट to do this? First is, in case of structural, we can make lanes and roads in the fire prone zones. Agar hum forest mein lanes bana dete hain taki, for example, if these are your trees here, so if we make the lanes here, so that will divide, a kind of break the continuity of the fire. So this we can do in our structural mitigations. In case of non-structural mitigations, in case of pre-event, we can have education, like agar wildfire hota hai to kya hona chahiye, apne aap ko protect kaise karna chahiye. During event, measures like preparedness, be prepared to run, to protect, and post, in case of post-event measures, timely rescue and rehabilitation, which is important. In case of preparedness here, we can say that many people जो कंट्री साइड में रहते हैं या जंगलों के पास रहते हैं, वो बहुत सारे नॉन कम्बस्टेबल प्रोडक्ट्स तैयार रखते हैं, जैसे वाटर एंड मड, सैंड, ताकि उसको फेंक कर उस आग को बुझाया जा सके. The next kind of natural disaster that we have is landslides. Land means zameen, slide means fisalna. So there are many places in India mainly and in many other countries jahan pe landslides bahut hote hain. So landslide is the movement of the rock, debris or the earth down a slope. Aur landslide ko hum landslips bhi kehte hain, jahan pe aapka land slip kar jata hai. Slumps is again slip or slope failure, jahan aapki jo slopes hain wo fail ho jate hain. That is what we called as landslides. So we have different kinds of landslides also. So the first kind of landslide we are talking about is rock slide. Rock means pathar and slide means fisalna. Kai baar hum dekhte hain ki mainly in the hilly areas or the mountains hum dekhte hain ki pathar फिसल गए और फिसल कर स्लाइड करके रोड्स पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं. सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल इज रॉक स्लाइड. नेक्स्ट इज़ रॉक फॉल. पत्थर, फॉल मीन्स गिरना. वहाँ पर रॉक स्लाइड इज़ जहाँ पर वो स्लिप करते हैं, बट रॉक फॉल इज़ जहाँ पर पत्थर टूट कर टोटली ज़मीन पे या रोड्स पे, लैंड पे गिर जाते हैं. सो दैट इज़ आर रॉक फॉल. देन वी हैव इज अर्थ फ्लो. मैनी प्लेसेस वी सी कि जो हमारी अर्थ है, धरती है, ज़मीन है, वो बह जाती है. मे बी बिकॉज ऑफ रेन, स्पेशली दिस ऑल हैपन्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वो बह जाती है. दैट इज़ वॉट वी कॉल इज अर्थ फ्लो. देन वी हैव इज डेब्रीज स्लाइड. डेब्रीज क्या होता है? डेब्रीज मीन्स मलबा. जब रॉक्स इज चट्टाने, जब चट्टाने गिरती हैं, दैट इज़ योर रॉक. बट डेब्रीज इज मलबा दैट कैन हैव अ कम्बिनेशन ऑफ सॉइल और यू नो स्मॉल स्टोन्स. जब वो डेब्रीज स्लाइड कर जाती है, तो उसे हम कहते हैं डेब्रीज स्लाइड. देन वी ऑल्सो हैव डेब्रीज फ्लो. कई बार वो डेब्रीज जो होती हैं वो बह जाती हैं पानी के साथ, उसे हम कहते हैं डेब्रीज फ्लो. So how can we protect? How, what mitigation we can do or we can take in that case? The most important, like in case of structural, is hazard mapping. पहले तो हमें वो locate करना पड़ेगा active landslide zones. कौन कौन से regions हैं country में जहाँ पर ज़्यादा हमारी landslides होती हैं. Then we have to take care of the drainage and the drainage correction. अगर आपके rain water को flow करने के लिए proper drainage system है, in that case वो आपका ना तो earth flow होगा वहाँ पर और ना ही हमारा क्या कहते हैं debris flow होगा. Then we have is like we can have nets or you know retaining walls to be built. अगर हम जहाँ पर landslides हो रहा है या जैसे fall हो रहा है, अगर हम वहाँ पे walls बना देते हैं या वहाँ पे netting कर देते हैं जिसकी वजह से वो नीचे ना गिर पाएँ, in that case we can control them up. Another measure that we can also do is afforestation. अगर हम basically earth flow कब होता है? जब earth free है. बट अगर हम वहाँ पे एफॉरेस्टेशन ट्रीज़ लगा देंगे, सो इट विल कंट्रोल द अर्थ एंड इट विल नॉट लेट इट फ्लो.
That also we can do. In case of non-structural mitigations, warnings are important कि कहाँ पे हो सकता है या कहाँ होने के chances हैं. Education is important because अगर आप educated हैं कि अगर ऐसा होता है आपको क्या करना है, तो आप उस चीज़ को prevent कर सकते हैं. Preparedness during the event and in case of post-event measures like timely rescue is important. अगर कहीं हो गया है लैंडस्लाइड्स तो आपको कैसे निकाला जाए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि उत्तराखंड में एंड एरियाज़ में लैंडस्लाइड्स होने की वजह से लोग कई कई दिन तक वहाँ फंसे रहते हैं, तो उन्हें टाइमली रेस्क्यू करना चाहिए. एंड दीज डेज वी हैव लैंडस्लाइड इंश्योरेंस. जो लोग माउंटेन्स पे जाते हैं स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स, वो लोग अपना लैंडस्लाइड इंश्योरेंस करा के जाते हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम हो तो उन्हें कंपनी पे कर सके. सो नाउ वी जस्ट फिनिश्ड विद द नेचुरल डिजास्टर्स. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैन मेड डिजास्टर्स. मैन मेड, एज द नेम सेज, मैन मेड डिजास्टर्स वो हैं जिनके पीछे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्यूमन बींग्स का हाथ है. एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन मेड डिजास्टर्स लाइक न्यूक्लियर डिजास्टर, बायोलॉजिकल डिजास्टर, केमिकल डिजास्टर, फायर एक्सीडेंट्स, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और रोड एक्सीडेंट्स, टेररिज्म्स एंड एपिडेमिक्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ईच वन ऑफ देम वन बाय वन. द फर्स्ट इज़ योर न्यूक्लियर डिजास्टर. न्यूक्लियर डिजास्टर्स या न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स वो होते हैं जो कि इट इज़ बेसिकली अ रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर और रेडियो एक्टिव टेस्टिंग और लीकेज फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट्स. जब कई बार हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस करते हैं और वेपन्स को वो करते हैं तो टेस्टिंग्स करते हैं, तो उसमें से जो न्यूक्लियर रेडिएशंस निकलती हैं या रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलती हैं या कई बार हमारे प्लांट्स में से लीकेज हो जाती है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर डिजास्टर. एंड द रीसेंट एग्जाम्पल, एज आई सेड, अभी मैंने आपसे कहा जब सुनामी आया इन 2011 जापान फुकुशिमा, उसके कुछ आफ्टर इफेक्ट्स थे और सबसे बड़ा था न्यूक्लियर डिजास्टर. देयर इज़ अ वेरी बिग न्यूक्लियर प्लांट इन फुकुशिमा जहाँ से सुनामी के बाद गैस लीकेज हुई और इस गैस लीकेज की वजह से बहुत सारे लोग इफेक्ट हुए. सो व्हाट मिटिगेशन वी कैन डू फॉर दैट, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमें प्रिपेयर होने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड स्टेबलाइज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो जब उससे हम एनर्जी या पावर बनाते हैं हम उसे स्टोर करते हैं इन कूल प्लेस बिकॉज इट इज़ वेरी हॉट. लेकिन जब अगर जैसे सुनामी आया या किसी और कारण से अगर इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया, तो ऑब्वियसली जब आपका फ्रिज काम करना बंद कर देगा तो ऑब्वियसली द टेम्परेचर विल इंक्रीज एंड द रेडियो एक्टिव वेव्स विल रिलीज. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टेबलाइज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम. सेकेंड इज़ लाइक स्टोर स्पेंट फ्यूल इन डार्क ड्राई कैस्क्स. अगर वो सूखे में होंगी तो उनको फैलने का चांस नहीं मिलेगा. इंस्टॉल फिल्टर्ड वेंट सिस्टम्स. अगर बाई चांस किसी तरह का लीकेज अंदर हो जाता है आपके प्लांट के अंदर, तो वो ईजिली वेंट सिस्टम से निकल के बाहर जा सके. प्रिवेंट सैबोटाज एट न्यूक्लियर फैसिलिटीज. सैबोटाज मीन्स एनी काइंड ऑफ एक्सप्लोशन, उसको प्रिवेंट करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो हमें उसके लिए एक प्रिवेंटरी मेजर्स लेने चाहिए. रेटिफाई अ ट्रीटी टू प्रोहिबिट मिलिट्री अटैक. अगर बाई चांस कोई आपका नेबरिंग नेशन और एनी भी नेशन अगर आपके ऊपर अटैक कर देता है, तो उसको रोकने के लिए यूजुअली हमें पहले ट्रीटी साइन कर लेनी चाहिए ताकि ऐसा कोई मिलिट्री अटैक ना हो. क्योंकि अगर ऐसा कोई मिलिट्री अटैक आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर होता है, देन इट्स गोइंग टू हैव अ न्यूक्लियर डिजास्टर. नेक्स्ट इज़ योर बायोलॉजिकल डिजास्टर. एज अ नेम से बायो मीन्स लाइफ, सो बायोलॉजिकल डिजास्टर इज़ रिलेटेड टू योर लाइफ. It is the devastating effect caused by the enormous spread of certain kind of living organisms that may spread a disease, virus, or you know some kind of epidemic.
It can also be a sudden growth of population of some kind of plants or animals. Means अगर हमारे पास कोई ऐसा disaster होता है biological disaster जिसमें basically किसी एक organism की या किसी एक चीज़ की growth disease एकदम बढ़ जाती है तो उसे हम biological disaster कहते हैं. Like if you talk about AIDS, so AIDS or like we had swine flu. सो ये हमारे बायोलॉजिकल डिज़ास्टर्स हैं जो बहुत सारे लोगों को इफ़ेक्ट करते हैं. नाउ द स्ट्रक्चरल मेजर्स और द मिटिगेशन दैट वी कैन टेक फॉर प्रिवेंटिंग बायोलॉजिकल डिज़ास्टर्स इज ईट न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस फूड. अगर आप न्यूट्रिशियस और बैलेंस फूड खाएंगे तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम नहीं होगी, डिजीज़ नहीं होगी. सो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. Immunization state should be up to date. Immunization means vaccination. कई लोग especially in the kids बच्चों को vaccinations करवाते हैं तो वो बिल्कुल up to date होना चाहिए. ऐसा नहीं करा लेंगे अभी नहीं कोई बात नहीं हो गया expire तो it's not be there. We should prevent overcrowding. अगर कहीं पे कोई problem है या कहीं पे कोई biological disaster हुआ है तो उस केस में हमें वहाँ पर ओवर क्राउडिंग इकट्ठा भीड़ नहीं करनी चाहिए. वी शुड हैव गुड वेंटिलेशन सिस्टम्स. आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे वेंटिलेशन सिस्टम्स आपके अच्छे होने चाहिए ताकि आपको प्रॉपर सनलाइट, एयर सब कुछ मिल सके. यू शुड प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम कोल्ड एंड हॉट वेदर. बहुत ज़्यादा गर्मी होने से भी कई बार आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा सर्दी से भी कईयों को हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं. सो वी शुड प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम हॉट एंड कोल्ड वेदर. हेल्थ एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक इन इंडिया एम्फसिस इज़ नॉट गिवन टू हेल्थ एजुकेशन, लेकिन हेल्थ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ सेड दैट इन अ हेल्दी बॉडी अ हेल्दी माइंड लिव्स. नेक्स्ट इज़ योर सर्वेलेंस. सर्वेलेंस होता है अपने आसपास ध्यान रखिए, निगरानी रखिए कि ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या ऐसा कोई डिजीज़ तो नहीं स्प्रेड हो रहा है. अगर है तो गो एंड इन्फॉर्म द अथॉरिटीज़ अबाउट इट. द नेक्स्ट काइंड ऑफ डिज़ास्टर इज़ योर केमिकल एंड इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर. बेसिकली इट इज़ द अक्रेंस ऑफ एमिशन ऑफ फायर एक्सप्लोजन इन्वॉल्विंग वन और मोर हैजर्डस केमिकल्स इन द कोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी लाइक हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और ड्यू टू सम नेचुरल इवेंट्स लीडिंग टू सीरियस इफेक्ट इनसाइड और आउटसाइड द इंस्टॉलेशन विच कॉजेज अ लॉस टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी. मीन्स अगर आप इंडस्ट्रीज में हैं या मेनली इन यू आर इनटू द केमिकल इंडस्ट्री, इन दैट केस किसी तरह का अगर कोई एमिशन होता है आपका केमिकल्स का बिकॉज इट कैन बी फॉर डिफरेंट रीजंस लाइक हैंडल नहीं हुआ प्रॉपरली या स्टोरेज नहीं था या ट्रांसपोर्ट करते समय प्रॉब्लम हो गया वो एमिशन, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज इट कंटेन्स लॉट ऑफ केमिकल्स. फायर, आग लग गई तो भी प्रॉब्लम है या अगर किसी तरह का एक्सप्लोजन हो गया then also it is hazardous, you know, because dangerous for the people. And the main or you one of the major example of this kind of disaster in India is Bhopal gas tragedy. Major example we have is Bhopal gas tragedy. दिस हैपेंड इन 1984 एंड हमें पता है भोपाल सिटी में यूनियन कार्बाइड की गैस केमिकल फैक्ट्री से गैस लीकेज हुआ जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए. दे बिकेम फिजिकली हैंडीकैप चैलेंज्ड. सो व्हाट स्टेप्स वी कैन टेक, क्या मिटिगेशन होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हैजर्ड मैपिंग, हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उस इंडस्ट्री से या अगर ऐसा कुछ होता है तो उन प्रॉब्लम्स को, उन हैजर्ड्स को हमें पहले मैप आउट करना पड़ेगा. लैंड यूज़ प्लानिंग. लैंड यूज़ प्लानिंग मीन्स दीज काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज शुड नॉट बी इन द सिटी. मेन सिटी के अंदर नहीं होना चाहिए बट ये सब सिटी के, मेन सिटी के बाहर होना चाहिए ताकि उससे आपको अगर ऐसा कुछ होता है तो डायरेक्ट इफ़ेक्ट ना हो लोगों के ऊपर. कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस, वहाँ पे रहने वाले लोगों को, कम्युनिटी को उस चीज़ को लेकर प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अगर ऐसा होता है तो व्हाट वी हैव टू डू एंड ऑल. देन नेक्स्ट वी हैव इज़ फायर एक्सीडेंट्स.
Accidents caused due to the fire resulting in the loss of life and property are called fire accidents. अगर कहीं पे आग लग जाती है जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी का या आपके लाइफ का लॉस होता है, दैट इज़ मेनली अ फायर एक्सीडेंट्स. हाउ कैन वी प्रिवेंट इट, रोक कैसे सकते हैं? सेफ्टी मेजर्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको अपने घर में सेफ या जहाँ पर भी आप रह रहे हैं या ऑफिसेस में, आपको सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना पड़ेगा. लाइक डू यू हैव ऑल द प्रॉपर फायर सेफ्टी मेजर्स. एजुकेशन, लाइक अगर हो जाता है और फायर लग गया है, सो समटाइम्स वी सी डोंट यूज़ द लिफ्ट इन केस ऑफ फायर्स. एंड कैसे जाना है, क्या होना चाहिए, किस तरह से आपको उस प्लेस को छोड़ना है, ये सब एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. इवैक्यूएशन, फायर लगी है, लेट्स से देयर इज़ अ फायर ऑन द 10th फ्लोर, सो हाउ यू विल बी इवैक्यूएटेड फ्रॉम द 10th फ्लोर टू द ग्राउंड फ्लोर, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ देयर इज़ अ फायर, वी शुड वेयर सम काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव क्लोथ्स जो कि हमें डायरेक्ट फायर से बचा सकें. लाइक पीपल से दैट वेयरिंग कॉटन इज़ वेरी गुड, यू नो, बिकॉज कॉटन डज नॉट कैच फायर वेरी ईजिली. नेक्स्ट वी हैव इज ट्रैवल एक्सीडेंट्स. ट्रैवल एक्सीडेंट्स, they are the accidents that can happen in any form while traveling. Like we have accidents or you miss the transport. It's not only a kind of accidents like shown in this picture, but aur bhi tarah ke accidents ho sakte hain. Like these kind of accidents are also there, lekin iske alawa, like let's say you have gone to a foreign country and you miss your passport, that is also a travel accident. Or maybe you miss your luggage, you lost your luggage, वो भी एक तरह का travel accident है. So कोई भी accident जो कि आपके travel के time पे हो, whether it can be your road, it can be your water, it can be your air, it can be your train, any kind of accidents are your travel accidents. So how can we protect ourselves from having these kind of accidents? Do destination research. अगर आप कहीं घूमने गए हैं तो अपने destination का पूरा research करके जाइए, क्या है, कहाँ है, कैसे है, सब कुछ. Risk assessment. Risk, अगर आप जा रहे हैं वहाँ पर तो क्या risk हो सकता है. Like अगर आप middle east country जा रहे हैं, these days I'm talking about, तो वहाँ पर क्या risk हो सकता है. We know ISIS is very active there, नहीं जाना चाहिए, या अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या करना चाहिए. एंड इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ एक्सीडेंट्स, वी शुड नो हाउ टू रिएक्ट. अगर पासपोर्ट खो गया है या लगेज खो गया है तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, वी शुड नो अबाउट इट, राइट. सो दीज आर सम मिटिगेशंस दैट वी कैन यूज़ टू लेसन द इफेक्ट ऑफ ट्रैवल डिजास्टर्स. देन वी हैव इज टेररिज्म. Very common, very important these days. Almost all the countries of the world are facing terrorism. So what is terrorism? Terrorism is the unlawful use of violence and intimidation, especially against the civilians. In the pursuit of political aim, अपने political फ़ायदे के लिए जब कुछ लोग unlawful activity करते हैं, violence फैलाते हैं, लोगों को भड़काते हैं, especially the civilians, that is we call a terrorism. Terrorism, if you talk about today, terrorism is of different types. Like we can have mainly state terrorism and international terrorism. State terrorism wo hai jo aapki regional or state terrorism, we can say jo aapke ek particular state, ek country ya region mein hoti hai. And the next is what we I said was international terrorism. Bahut important, puri duniya affected hai by international terrorism, like ISIS, Osama bin Laden and other terrorists. Regional terrorism aage bahut sare types ki ho sakti hai, like we have cyber crime. To wo aapke region mein hai, aapke state mein hai. Or cyber crime is something that we can talk about related to like hacking or bullying is there. Then we have is bioterrorism. Bioterrorism, agar kisi ne koi isi tarah ke biological substances ya agents, toxic agents release kar diye hain, that is our biological terrorism.
देन वी हैव इको टेररिज्म. दीज डेज वी हैव लॉट ऑफ इको टेररिज्म ऑल्सो. हमारी इको सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. न्यूक्लियर टेररिज्म, अगर किसी ने न्यूक्लियर अटैक कर दिया है, दैट इज़ न्यूक्लियर टेररिज्म. वी हैव लाइक नार्को टेररिज्म. नार्को टेररिज्म इज़ लाइक ड्रग ट्राफिकिंग एंड ऑल दैट. सो ये कुछ रीजनल टेररिज्म्स हैं जो यूजुअली हमारे इंटरनली कंट्री में होते हैं, मे बी विद अ डिसरिगार्ड ऑफ समथिंग. अगर लोगों को कुछ पता नहीं है या पसंद नहीं है, उसके खिलाफ वो खड़े हो जाते हैं. लाइक माओइज्म और नक्सलिज्म इन इंडिया. मिटिगेशंस वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि टेररिज्म इस समय बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दुनिया के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, एनफोर्स अ स्टैंड ऑफ जोन. पता होना चाहिए अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें कैसे तैयार रहना है. इम्प्लीमेंट सर्वेलेंस डिटेक्शन. दिस इज़ डन बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज. वो एक सर्वेलेंस डिटेक्शन तैयार रखते हैं. दे नो फ्रॉम आईबी रॉ एंड अदर थिंग्स क्या होने वाला है. स्क्रीन डिलीवरीज. जो डिलीवरीज हो रही हैं, कई बार आपके पैकेट्स डिस्पैच होते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ता है, उनको स्क्रीन करना पड़ता है कि कहीं उसमें कोई अनवांटेड सब्सटेंसेस तो डिलीवर नहीं हो रहे हैं. फैसिलिटेट इवैक्यूएशन. अगर कोई इस तरह का टेररिस्ट अटैक होता है तो कैसे लोगों को उससे बचाया जाए, उस जगह से इवैक्यूएट किया जाए ताकि उसका असर कम हो. Stagger security. Stagger security means, like for example, अगर एक ऑफिस में आपका किस समय सिक्योरिटी चेंज होता है, स्टाफ चेंज होता है, दैट शुड बी चेंज्ड और दैट शुड नॉट बी फिक्स्ड. टाइमिंग्स चेंज होना चाहिए. पीपल शुड नॉट बी ऑलवेज इन द सेम यूनिफॉर्म. यहाँ तक कि अगर पुलिस वाले पेट्रोलिंग के लिए जा रहे हैं, दे शुड नॉट गो ऑन द सेम टाइम. अदरवाइज यू नो पीपल कैन कीप एन आई ऑन देम. नज़र रख सकते हैं कि व्हेन दे आर गोइंग एंड देन दे कैन अटैक देम अप. देन वी नीड टू असेस आर सिक्योरिटी. हमारी जो ऑलरेडी सिक्योरिटी सिस्टम है वो सही वर्किंग है? कैमराज ठीक हैं? सिक्योरिटी गार्ड्स प्रॉपरली वर्किंग है? उनका टाइमली असेसमेंट होते रहना चाहिए. वी शुड स्क्रीन द विजिटर्स. आपके रेजिडेंशियल एरिया में, आपके ऑफिस में या कहीं और पब्लिक प्लेस में जो विजिटर्स आ रहे हैं, उनको स्क्रीन करते रहना चाहिए. मे बी सम वन हैज सम डाउटफुल इंटेंशंस. स्क्रीन द एम्प्लॉयज़ इन मेनली इन द ऑफिसेज और द कंपनीज. आपको अपने एम्प्लॉयज़ को भी स्क्रीन करना चाहिए वेदर दे आर नॉट इन्वॉल्व इन सम यू नो नोटोरियस एक्टिविटीज़ और समथिंग. रिव्यू योर एमरजेंसी प्रोसीजर्स. गवर्नमेंट टाइम एंड अगैन इस प्रोसेस को फॉलो करती है. कई बार दे डू मॉक ड्रिल्स एंड ऑल दैट टू चेक देयर एमरजेंसी प्रोसीजर्स वेदर दे आर रेडी इन केस ऑफ सम एमरजेंसी. मेक सिक्योरिटी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल यूजर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी की मेनली गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं, बट ऐसा नहीं है. वी शुड मेक इट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल यूजर्स. सारे सिटीजन्स को उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए. अगर आप कुछ अनवांटेड हैपनिंग देखते हैं या अनवांटेड इंसिडेंट्स नोट करते हैं, सो यू शुड गो एंड इन्फॉर्म द अथॉरिटीज़ अबाउट इट. And terrorism has been one of the major things जो इंडिया को इफेक्ट कर रहा है. Like we had a major terrorist attack, that is we call 2611 Mumbai terrorist attack. तो इन सब के लिए हमें भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. The last one that is we have is epidemics. Epidemics is a widespread occurrence of some kind of infectious disease in a community at a particular time. मतलब अगर एक टाइम पर एक जगह पर एक किसी तरह का कोई ऐसा डिजीज़ होता है जो कि इन्फेक्टस हो सकता है लोगों के लिए, उस केस में हम उसे एपिडेमिक कहते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव स्वाइन फ्लू. स्वाइन फ्लू एक एरिया में अफेक्ट किया था. और लाइक स्पैनिश इन्फ्लुएंजा that affected around, I mean that killed around 40 to 50 million of people in 1918. So these things are epidemics mainly. So what we can do to avoid them or you know to have a less effect? Basic education against the epidemics. पहले पता होना चाहिए कि epidemics हैं क्या, कौन से हैं और वो क्यों होते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है.
देन वी हैव पर्सनल प्रोटेक्शन ट्रेनिंग्स. अगर एपिडेमिक्स कोई फैलते हैं तो हाउ कैन यू प्रिवेंट योर सेल्फ. लाइक रिसेंटली वी हैड स्वाइन फ्लू, सो हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आर सेल्फ फ्रॉम दोज थिंग्स. द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट बट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द हेल्थ पर्सनल, सिविक ऑफिशल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स एंड द हॉस्पिटल्स. अगर कोई एपिडेमिक होता है तो इन सब के बीच में किस तरह का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. अगर एक पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, इन दैट केस द डॉक्टर्स, द अथॉरिटीज, सिविल अथॉरिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स किस तरह से कॉपरेट करेंगे सो दैट दे डोंट हैव you know the effect on the other people. It is really important. So if we follow all these mitigations in terms of any kind of disasters, be it a natural or man-made, we are going to lessen the effect of those disasters.